आज का दिन बहुत ही डेंजरस रहा। हमें फिर से वही सोकर वाला ग्रुप मिल गया, तो उन्होंने हमारी काफी हेल्प की। काफी अच्छा लगा उनसे मिलके। हम ले चुके हैं ज्ञान। झरने के पानी में हाथ धोने का मजा ही कुछ और है। हम हेलमेट होते हुए आ रहे घूम के, ये थोड़ा सा कूड़ा साफ करते हुए। ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है। आप पेट्रोल की लड़ाई खत्म हुई तांगसे में। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेराक, अ ब्यूटीफुल विलेज नियर बाय पैंगोंग लेक। तो आज हमारी राइड का है 7वां दिन, और हमारी आज की डेस्टिनेशन है हुंडर, जो कि यहाँ से अराउंड 180 किलोमीटर है। और जो कल लोग उस साइड से आए हैं, हुंडर साइड से, वो बता रहे हैं कि रास्ते में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग्स हैं, और साथ ही साथ हम पैंगोंग लेक के साथ राइड करेंगे, तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ज़्यादा होगी, और एक दो जगह ड्रोन शॉट भी लिए जाएंगे। काफ़ी दिन से वैसे कोई ड्रोन शॉट नहीं लिया है, क्योंकि मोस्टली जगह हम ऐसी जगह थे जहाँ आर्मी थी और ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं था, तो आज हमें वो कमी पूरी करनी है। हुंडर जाने के लिए हम यहाँ से लेंगे डुरबुक होते हुए खलसर, और फिर खलसर के बाद पेट्रोल भराएंगे या तो जिसकिट में या फिर हुंडर के आसपास एक और पेट्रोल पम्प है वहाँ पे, और फिर हम आज स्टे करेंगे हुंडर में ही। ये था हमारा कॉटेज। और ये था कॉटेज से बाहर का व्यू। कॉटेज काफ़ी साफ सुथरा था, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा बहुत रिसर्च करके आए, आप पता कर लें कि यहाँ पे रेट कितना है। जैसे हमें काफ़ी ठीक रीजनेबल प्राइस में मिल गया, लेकिन हमारे साथ जो थे उनको काफ़ी कॉस्टली पड़ा। तो बस अभी इतनी गाड़ी को थोड़ा चेन क्लीन करना है, चेन लूप करना है, सामान लोड करना है, और फिर निकलना है। ओ, एक चीज़ और, उससे पहले एक ड्रोन शॉट भी लेना है, और फिर निकलना है हमें आज की राइड के लिए। के बाद हमें चला है 165 किलोमीटर के आसपास, और ट्रिप मीटर रिसेट करते हैं। हो गया डन 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 डन। आज की थोड़ी सी बैड खबर ये है कि हम थोड़ा पेट्रोल में लो हैं। मेरे पास भी 2-3 लीटर बचा है, और अंकुर के पास भी इतना ही पेट्रोल बचा है, तो अभी देखते हैं पैंगोंग तक जाते हैं। पेट्रोल बचाने के लिए हमने थोड़ा सा अपना RPM कम कर दिया है, थोड़ा पिकअप प्रॉपरली नहीं लेगी, लेकिन गाड़ी में थोड़ा सा 5-10 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाएगा, और साथ ही साथ कोशिश हमारी यही होगी कि 5th गियर में ही गाड़ी चलाएं। यार रॉन्ग साइड पता नहीं क्यों डबल लेन में चल रहे हैं, इतना पता है सबको कि चलता फिरता रोड है। व्हाट अ ब्यूटीफुल 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 व्यू। हम हैंडलो से होते हुए आ रहे हैं घूम के, हानले से। हाँ, आपको कहाँ जाना है? मेरे को मनाली साइड जाना है। तो आपको चुशुल से देखना पड़ेगा, वहाँ से पता करना पड़ेगा। चुशुल चुशुल साइड जाना पड़ेगा। हाँ, आपको सीधा ही जाना पड़ेगा, चुशुल से कट जाएगा या फिर रास्ता, नहीं तो फिर आपको लोमा बैंड जाना पड़ेगा और वहाँ से रास्ता कटेगा। हाँ, चुशुल में आप जाके पता कर लीजिएगा। ओके, दिन की पहली वाटर क्रॉसिंग। शबैक करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी हमने उड़ा दिया अपने मतलब के लिए, थोड़ा सा कूड़ा साफ करते हुए, क्योंकि रिजर्व का रिजर्व पेट्रोल हम बना रहे हैं। बहुत टाइट है बाबा। तो वहां कोई वोटिंग कर रहा है, वोटिंग वोटिंग वोटिंग, मच्छी पकड़ता है मच्छी। अपन को पेट्रोल दे दे ठाकुर, अपन को पेट्रोल दे दे। Thank you.
पेट्रोल की लड़ाई ख़त्म हुई तांगसे में, तांगसे, अरे गिर गया, तांगसे में मैराक में नहीं मिला, मान में नहीं मिला, स्पार्क में नहीं मिला, यहाँ जाके पेट्रोल मिला ब्लैक में। तो अभी 5-5 लीटर में डला लिया है, तो काफ़ी होगा इतना उंडर जाने के लिए, और फिर वहाँ जाके रिफ़िल कराएंगे दोबारा फुल टैंक, क्योंकि वहाँ पेट्रोल पंप अवेलेबल है तो इजीली मिल जाएगा। लेकिन एक दिक्कत और हो रही है, लोग बता रहे हैं कि बीच में दो बड़ी वाटर क्रॉसिंग हैं, तो उनको काफ़ी केयरफुली क्रॉस करना पड़ेगा, और बोल रहे हैं कि ग्रुप्स के साथ जाएं तो ज़्यादा बेटर है, ताकि 3-4 लोग धक्के मार सकें, क्योंकि अकेले बस की बात नहीं होगी वहाँ चलाना। तो देखते हैं क्या होता है। तो अब बारी आती है श्योक रिवर की, और ये आगे जाके थोड़ा बड़ी वाटर क्रॉसिंग बनने वाली है। क्या खतरनाक फ्लो है भाई। ओ भाई, ओ भाई, कितना पास पानी है यार, बढ़िया। सोलंकी मिस कर रहा है ना, इसी को कहते हैं दुनिया गोल है। जो ग्रुप हमें सोका में मिला था वो हमें फिर से मिल गया नुब्रा वैली जाते हुए। तो अभी इन्हीं की हेल्प से हम लोगों के ज़्यादातर वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करने वाले हैं। बाकी नज़ारे एकदम अद्भुत हैं, अद्भुत अदम में। चलिए आराम से ले लेना भाई। तो इस कहाँ यार, तो भाई इस लेवल की वाटर क्रॉसिंग देख के अच्छा लगता है, थोड़ा गाड़ी चलाने मजा आता है, लेकिन जो पीछे वाटर क्रॉसिंग थी उनको देख के मज़ा नहीं आता है, हालत टाइट हो जाती है। छोड़ो भैया, तो पैर नीचे डालो, मस्त चलाओ, क्योंकि गीले तो अपन वैसे ही हो चुके हैं। ओ जय माता दी, जय। ओ पानी का फ्लो ज्यादा है, आगे निकल जाएगी बहुत देर तक। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो गया, ये श्योक रिवर है। पहले तो इसका कलर थोड़ा वाइट था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा काला हो गया है, पता नहीं कैसे। डू नॉट गॉसिप, लेट हिम ड्राइव, आई विल ड्राइव। Thank you.
एक और शानदार कोटेशन बाय बियरो, नेवर डिपेंडेंट ऑन द अदर्स, दे माइट बी डिपेंडेंट ऑन यू। सो ब्यूटीफुल वैली ऑफ अगम और झरने का पानी, एकदम से हम बंजर रेगिस्तान से आ चुके हैं हरियाली के बीच। और ये भी दो तरफा है, एक तरफ ड्राई माउंटेन्स रॉक सॉलिड और दूसरी तरफ पूरी ग्रीनरी, बहुत ही बढ़िया। और ये था अगम। कहाँ गया अपना बंदा, कहाँ गया अपना बंदा, कहाँ गया अपना बंदा, चला गया कहीं। ओके तो झरने के पानी में हाथ धोने का मज़ा ही कुछ और है, मज़ा आ जाता है ठंडे ठंडे पानी में हाथ धो के। और हमारे अंकुर भाई फिर से कहीं छूट गए, छूट नहीं गए, मैं छूट गया, वो आगे निकल गए। अभी हम किसी ग्रुप के साथ राइड कर रहे हैं, हम यानी कि हम अकेले, अंकुर भाई सोलो। तो हमारे ठीक लेफ्ट साइड में है बौद्ध मैत्रेय की विशालकाय मूर्ति, अभी पेड़ों की आवर में ढक गई है, शानदार। माना जाता है कि भगवान बुद्ध आने वाले समय में इसी अवतार में जन्म लेंगे। हम भी कोशिश करेंगे यहाँ जाने की, अभी जाके टाइम पूछेंगे और अगर टाइम हुआ आज तो आज ही जाएंगे, होटल लेने के बाद, सामान शिफ्ट करने के बाद, अदरवाइज कल सुबह अर्ली मॉर्निंग जो भी टाइम होगा तब जाएंगे हम। हम ले चुके हैं ज्ञान मोनेस्ट्री, सुबह 7 से शाम के 7:30 बजे तक खुली रहती है और अभी 6 बज रहे हैं। तो हम तो जा सकते थे लेकिन थोड़ी हालत टाइट है और अनफॉर्चुनेटली अभी शायद इसी साल से ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है यहाँ पे, लेकिन इससे पहले यहाँ ड्रोन उड़ाना अलाउड था, बाकायदा पर्ची कटती थी 500 रुपये की शायद, लेकिन पता नहीं इस बार बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, बड़े बड़े होर्डिंग में लगा दिया है कि ड्रोन आर नॉट अलाउड एज पर दी रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय दी गवर्नमेंट। डे का एंड होता है हुंडर के IBX कैंप्स में। आज का दिन बहुत ही टायरिंग रहा, बहुत ही डेंजरस रहा। जो श्योक के पास वाटर क्रॉसिंग से भाई बहुत ही तगड़ी वाटर क्रॉसिंग मिली, तीन तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लोग, एक एक गाड़ी पे चार चार पाँच पाँच लोग लगे हुए हैं धक्के देने के लिए, तब जाके वो आगे बढ़ रही हैं। तो भाई वो रास्ता बहुत ही ख़राब था, उसके अलावा अगर देखा जाए तो पूरा रास्ता काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सीनिक था और चलाने में भी मज़ा आया। और हमें फिर से वही सोकर वाला ग्रुप मिल गया, तो उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की, काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिल के। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राइड सेफ। और ये इंडिया साइड का सबसे आखिरी विलेज है इस एरिया का, मजा आ रहा है ब्रो।